नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मुद्दा में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। मुद्दा में आज बात करेंगे ममता बनर्जी के विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों पर। क्या ममता विपक्ष को एकजुट कर पाएंगी? बंगाल में तीसरी बार जीत और बीजेपी को शिकस्त देने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आत्मविश्वास से लबरेज हैं। अब वो एक नए मिशन में जुट गई हैं। ये मिशन है राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर नया मोर्चा बनाने का। इस कोशिश में वो 3 दिन के लिए दिल्ली आ रही हैं। इस दौरान वो विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया है। हाल के दिनों में सबसे मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में वो उभरी हैं और अब वो राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने शहीद दिवस रैली में विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के वास्ते एकजुट होने और गठबंधन के गठन की दिशा में काम शुरू करने के लिए कहा था। टीएमसी के दूसरे नेता भी ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना चाहते हैं। विपक्षी दलों को साझा हित पर काम करने के लिए राजी करना कठिन काम होगा। हालांकि ममता के पास चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत ने हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि ममता विभिन्न दलों के नेताओं के साथ किशोर के तालमेल का फायदा उठाकर उन्हें मेज पर ला सकती हैं। इन कोशिशों के बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का साफ कहना है कि अगर कोई सोचता है कि वो कांग्रेस को विश्वास में लेने के लिए बिना बीजेपी को हरा सकता है तो वो व्यक्ति दिन में सपने देख रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष को साथ लाने की मुहिम कितनी कामयाब होगी। दरअसल विपक्षी एकजुटता में सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि आखिर फ्रंट का मुखिया कौन होगा। ममता ने अभी तक नेतृत्व की दावेदारी नहीं की, लेकिन कांग्रेस से लेकर एनसीपी तक कई राजनीतिक दलों में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की कमी नहीं है। प्रस्तावित तीसरे मोर्चे के तहत ममता की पहले खासकर ऐसे राजनीतिक दलों को साथ लाने की योजना है जो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी मोर्चा की हिमायती रही है। इसके तहत ओडिशा के नवीन पटनायक, तेलंगाना के चंद्रशेखर और फारूक अब्दुल्ला को एक मंच पर लाने के बाद कांग्रेस पर इसमें शामिल होने का दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन राज्यों में स्थानीय समीकरण भी बड़ी बाधा है। सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने के ममता के दावों में कितना दम है, क्या ऐसा कर पाने में वो सक्षम है। और कई सवाल भी हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। करा दूं, मेरे साथ ऋषभ तिवारी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ बादल देवनाथ हैं तृणमूल कांग्रेस से, मेरे साथ अजय अरोड़ा जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले बादल देवनाथ जी आप ही से। बादल दा, असल में ममता बनर्जी की जो कोशिश है इस यात्रा के जरिए जिसमें वो 3 दिन के लिए दिल्ली आ रही हैं, आपको क्या लगता है किन किन लोगों से मुलाकात होगी, कैसे बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी, स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? दीदी ने दिल्ली नहीं गया क्योंकि कोरोना का संक्रमण चल रहा है, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानते हैं, और इसलिए दीदी ने एक बार चुनाव के बाद सबके साथ मिलते हैं, हर बार चुनाव के बाद सबके साथ मिलते हैं दिल्ली में जाके। इस बार भी वही हुआ, दिल्ली में जा रहा है ममता बनर्जी ने। और दूसरा बात है, एक तो हर पार्टी सपा आरजेडी कांग्रेस और बहुत सारे तमिलनाडु से हो, कर्नाटक से हो, सब जगह से सभी चाह रहे हैं ममता बनर्जी 2024 के लिए सामने लीडिंग पार्टी के लिए ममता बनर्जी को चाह रहा है। और इसलिए ममता बनर्जी वहां पर का आपने देखा 2021 में जो 21 जुलाई को जो शहीद दिवस हुआ उसमें भारतपाल सभा में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में चिदम्बरम जी था, शरद पवार जी था और भी नेता वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में था और पूरे देश में जो 20 से 50 लाख के ऊपर लोग भारतपाल सभा में अटेंड किया था और सबने 2021 के जो 21 जुलाई को जो सभा हुआ भाजपा से सभा में सभी ने उनका बात बन चुका और इससे मैं कह रहा हूँ। और 2024 में एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए हर जगह में कह रहा हूँ, दीदी आ रही है, मोदी जी जा रहे हैं और तक 2024 में सब मांग रहा है, उनका मांग है, डिमांड है, दीदी मीटिंग दीजिए और दीदी को सामने रख के 2024 लड़ाई शुरू हुआ, इससे
बादल देव, ममता दी के जिस व्यक्तित्व का बखान आप कर रहे हैं वो टीएमसी तो समझ रही है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों को क्या आप इतनी आसानी से अपनी बात समझा पाएंगे? विपक्षियों को एक साथ करना ये भी तो बड़ा चैलेंज है, वो कैसे पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन बात हुआ हुआ भारत के हुआ, शरद पवार जी जानते हैं, सभी ने जानते हैं, राहुल गांधी की और सोनिया जी भी, बहुत सारे लीडर है, मैं अभी ऐसे डायरेक्ट नहीं चाहूंगा, लेकिन सब चाहते हैं दीदी मीटिंग दीजिए और मीटिंग के लिए 2024 का ममता बनर्जी मोदी का मोदी भाषा ममता बनर्जी का मुख्य है, तो आप जानते हैं सभी दिन साल से, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2024 का जो लड़ाई है वो मैं लड़ाई जो है, क्योंकि मैं हम सब जानते हैं मोदी जी 2014 से 2021 तक 2024 तक क्या क्या करेगा बता रही, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिला। आप बताइए महंगाई कितना हो गया, पेट्रोल ठीक है इस पे आज चर्चा ही नहीं है, इस पे आज चर्चा नहीं है सर, आज ममता दी के चेहरे पे चर्चा है, इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है सर। और लोग भी आप ये बात उठा लीजिएगा, और लोग भी, औरों के पास मैं लौट के आता हूँ तो फिर आपके पास ये बात की जाती है। अजय अरोड़ा साहब, तो क्या मान लिया जाए 2024 का चुनाव कांग्रेस टीएमसी के नेतृत्व में लड़ने को तैयार है, चेहरा ममता दी होंगी? घनश्याम जी अभी कहना बहुत जल्दी है, ये प्रश्न अगर 2023 में आप करते तो इसका मैं उत्तर देता, मतलब मंजूर नहीं है फिलहाल आपको? देखिए मैंने क्या बोला है, ये शीट फिलहाल मंजूर नहीं है ना, अरे सीधी बात करिए सर, सीधी बात करिए ना, सीधी बात करिए फिर आगे बढ़िए, आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल मंजूर नहीं है 2023 में देखिए। नहीं मैंने घनश्याम जी ये बात नहीं की, मैंने कहा आप बहुत जल्दी प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न 2023 में बनता है, मैंने प्रश्न की बात की आपके, और जहां तक मेरा उत्तर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए। नहीं अगर मैं ये प्रश्न पूछता हूँ तो इसका जवाब क्या है, अभी नहीं मंजूर है ना? नहीं अभी तो बात चल रही है, अभी तो ममता जी 3-4 दिन के दौरे पे आई है, जैसा बात होगी सारे दल मिलकर करेंगे, और ममता जी की आइडियोलॉजी कांग्रेस वाली है, क्योंकि पहले वो कांग्रेस में थी तो वो हमारी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखती है, तो जिस प्रकार से पूरा देश आज हमें भारतीय जनता पार्टी, तो ममता जी कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं आ रही है, ये बात समझ लीजिए अजय अरोड़ा साहब, ममता बनर्जी आपके झंडे के नीचे नहीं आ रही है, आपको उनका उनका नेतृत्व स्वीकारना है कि नहीं स्वीकारना है, सवाल ये है। घनश्याम जी कौन किसका झंडा, झंडा होगा विपक्ष का बता दूं, नेतृत्व कोई भी करे वो सारे संगठन तय करेंगे, और विपक्ष को मिलके हमने घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी ने जो हालत की देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी है, बढ़ती हुई महंगाई है, कोरोना में अस्पताल में जगह नहीं थी, गंगा किनारे लाशें थी, उस पर चिंतन करके सारे विपक्ष को एक होना पड़ेगा। हमने भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना है घनश्याम जी, हमारी प्रायोरिटी ये है कि किस प्रकार से भारतीय जासूस पार्टी बीजेपी, पर आपका ट्रैक अजय अरोड़ा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं बताता ना कि विपक्षियों में आप सबसे मजबूत दावेदार हो, आप तो बहुत फिसड्डी दिखाई देते हैं, सबसे पीछे दिखाई देते हैं। नहीं घनश्याम जी, हमारी सभी दलों से बात हुई, हमारे विपक्ष में जो हमारे साथी हैं यूपीए के शरद पवार जी हों, ममता जी हों, जो भी हमारे तेजस्वी यादव जी हों, जितने भी हमारे साथी हैं, हम मिलकर प्लान करेंगे, रणनीति बनाएंगे और बता दें घनश्याम जी आपके चैनल के माध्यम से, बड़ी कुशल राजनीति रणनीति बनने वाली है आपके समक्ष और पूरे देश के समक्ष, भारतीय आवाम के समक्ष, सभी सभी रणनीति कैसे कैसे बनेगी आपके समक्ष शीघ्र आने वाली है। आपकी रणनीति 2014 और 19 में भी देखी थी सर, देश ने कुछ नहीं कर पाया, उस पर भी चर्चा करूंगा, आप मेरे साथ रहिए, ऋषभ तिवारी मेरे साथ है। ऋषभ, असल में एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष, ये चुनौती बड़ी होने वाली है। देखिए घनश्याम जी, मुझे इन सारी बातों के साथ जवाब देने का दिल कर रहा है, मॉनसून का समय है और बरसात हम देख रहे हैं जोरों शोरों से चल रहा है, किन इलाकों में मेंढक बहुत निकलते हैं इन बरसातों में, उसी तरह ये विपक्ष का गठबंधन चुनावी मेंढक की तरह होता है, और ये चुनावी बरसात में ही निकल कर आते हैं और चुनाव के बाद ये इस कदर बिखरते हैं कि मानो एक दूसरे का फोन भी ना उठाते हैं, ये कोई नया पहल नहीं हो रहा है। हमने 2019 के समय भी बंगाल का वो ब्रिगेड ग्राउंड नहीं भूलना चाहिए, या सारे विपक्ष ने खड़ा होकर एक दौर में हाथ में हाथ मिलाया था, और इन्हीं के विपक्ष के साथी शरद यादव जी ने अपने कांग्रेस के मित्र के खिलाफ ही बोफोर्स घोटाले की बात सरेआम कर दी थी। तो जिनको एक आंकड़ा भी नहीं पता हो, जो हर वक्त चुनाव के समय हाथ मिलाते हैं, चुनाव के बाद मुंह की खाते हैं, उनके बारे में क्या डिस्कशन करे थे? देश में इन लोगों की महत्वाकांक्षा को, सत्ता के लिए जुटता को,
सब इनके लक्षण को देख रखा है, इसीलिए ये कभी भी एक पॉइंट पे सहमत नहीं हो सकते, केवल देश को भ्रमित करने का काम करते हैं और इनको फिर से जवाब मिलेगा। तो लेकिन ऋषभ आप अकेले एक बात जनता को समझाएंगे और उधर से इतने सारे लोग एक बात जनता को समझाएंगे, लोग किसकी मानेंगे, आपकी या उनकी? और आपकी जो लोकप्रियता है जो कई सर्वे बताते हैं उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है, मोदी सरकार की जो पब्लिसिटी और उनकी जो लोकप्रियता थी उसमें गिरावट भी आ रही है, तो ऐसे में विपक्ष का हमला तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रजा अपनी राजा को ढूंढती है, इनके अंदर राजा कितने हैं इन्हें नहीं पता। जब बात आएगी कि किस राजा के साथ चलना है तो इधर कांग्रेस के चेहरे आएंगे, फिर टीएमसी के चेहरे आएंगे, फिर समाजवादी के चेहरे आएंगे, या आपस में लड़के जनता का बेड़ा गर्क करने के वाला विपक्ष का ये गठबंधन है। तो मुझे लगता है जनता बेवकूफ नहीं है, जनता भली बाती समझती है, जब मजबूती से देश पे खड़ा होने की बात आती है तो वो किसको चुनती है। और इसी तरह का कुछ बात 2019 में भी आया था, नोटबंदी को लेकर इन्होंने छाती पीटा था, बहुत से इशू को लेकर इन्होंने छाती पीटा था, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और आप स्वस्थ रहिए, 24 में भी ये लोग मूठी खाने वाले हैं, हम वापस सत्ता में आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन नोटबंदी के बाद पेट्रोल के भाव और कोरोना का हाल ये भी जनता ने देखा है सर, और इस पे शायद नोटबंदी वाला हाल ना हो इसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए। अजय अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। घनश्याम जी, जिस प्रकार से कछुआ खरगोश की रेस हुई और भारतीय जनता पार्टी अपने खरगोश मान रही है और खरगोश माने रखे, जीता कछुआ ही था, इनको अभिमान था, इन्होंने अभी सारी बात की, गठबंधन की बात की और मेंढक की बात की, मैं इनकी बात का जवाब दूं, मेंढक और कछुआ और खरगोश तीनों को मिला के बात की थी। और जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की घुमघाट है, क्या घनश्याम जी जैसे हमारे गठबंधन है, हमने कई पार्टियों के साथ गठबंधन किए, क्या इनके गठबंधन नहीं है? पहले अपने अंदर झांके। और दूसरे प्रकार, दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से अभिमान नहीं होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस अभिमान से बात करते हैं, इनका अभिमान चूर होने वाला है, क्योंकि देश की जनता ने देखा। आप बीजेपी को अभिमान की परिभाषा सिखाते हैं अरोड़ा साहब, लेकिन आप ही के अधीर रंजन कहते हैं कि देखिए बीजेपी के खिलाफ कोई भी गठबंधन बनेगा तो उसका अस्तित्व तो नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है जब तक कांग्रेस उसमें साथ ना हो। सर आप तो लगातार फिसड्डी साबित होने के बावजूद भी अपने को इतने इंपॉर्टेंट मानते हैं कि आपके बिना कोई अलायंस ही नहीं हो सकता है, तो बीजेपी तो फिर भी राज कर रही है। घनश्याम जी, जितनी भी देश में पार्टी है, चाहे छोटी पार्टियां हो चाहे बड़ी पार्टियां हो, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। अगर चौधरी साहब ये बोलते हैं इस बात को तो कोई गलत, वो कहते हैं कि कांग्रेस का विकास जरूरी है, अगर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना है, इस देश से भगाना है। क्यों, ऐसा तो, क्या है आप में, कांग्रेस में ऐसा क्या है जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने में सबसे मजबूत साबित हो, ऐसा बताइए ना, आपने क्या कर दिया? हमारे पास अनुभव है। कहाँ है अनुभव सर, आपके अनुभवहीनता की वजह से तो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्या बात करते हैं सर? हमने कितने वर्षों तक भारत की सेवा की है, आप मुझे साथ बता दें। तो सर अनुभव बता दें, अनुभव किसको ज्यादा है, कितने वर्ष हमने भारत के आवाम की सेवा की है और इन्हें भी 7 वर्ष हुए हैं, तो पुराना कौन है ये बता दें मेरे को। ठीक है, तो ममता बनर्जी की तुलना में कांग्रेस अपने को बहुत पुराना मानती है और अनुभव भी बताती। बादल देव जी, असल में ब्रेक से पहले अजय अरोड़ा ये समझा रहे थे, देखिए कांग्रेस से पुराना कोई नहीं है, कांग्रेस से एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है, तो ममता बनर्जी तो उनके आगे टिकती नहीं है, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में ममता बनर्जी को अपना झंडा बुलंद करना होगा। नहीं, उन्होंने सही कहा, कांग्रेस का अनुभव ज्यादा है, क्योंकि 1947 के कांग्रेस ज्यादातर सत्ता में था, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा देश जानता है। सही कहा उन्होंने, लेकिन उससे पहले जो भाजपा के जो छोटा भाई है, प्रवक्ता है, मैं उनको एक बार एक बात याद कर दिलाना चाहता हूँ। 1997 में जयप्रकाश नारायण जी, वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सबको लेके एक महागठबंधन बनाया था, तो सबको एकजुट करना, कांग्रेस को हराने के लिए सबको एकजुट करना, वाजपेयी जी और आजमानी जी जाकर रखने शुरू किया था। उसके बाद अटल जी ने एनडीए गवर्नमेंट बना, 26 अगस्त दल को दल लेके एक महागठबंधन बना था, एनडीए बना था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उसके बाद कोई विपक्ष एक साथ 26-25 दल एक साथ जो एकजुट हो जाएगा तो क्या इनका भाजपा का क्या प्रॉब्लम होता है? तो बार बार पार्टी में विपक्ष एकजुट होगा ही, जैसे भाजपा के लिए जब विपक्ष के साथ अपने एकजुट हुआ था, ये तो होता ही है। लेकिन सत्ता में आने के बाद 2014 से 2021 तक भाजपा ने क्या किया,
पहले मैं कारण आपको कहना चाहता हूँ, महंगाई कितना हो गया आप बता दीजिए, और निम्न का पूरे देश में निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग जो है इसके पास ना है नकली ना है जिससे आप क्या हो गया पूरा देश, आप भी जानते मैं भी जानते पूरा देश भूखा मर रहा है। इसलिए ममता बनर्जी में सब चाहते ममता बनर्जी सामने आए और पूरा गठबंधन वहां गठबंधन एक जो पार्ट बनाए और इसके साथ आप कोशिश कर रहे और 2024 का जो लड़ाई है ये देश के लिए लड़ाई, देश के लोगों के लिए लड़ाई है, राष्ट्र के लिए, जाति के लिए, समाज के लिए लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारा जीत होगा और मोदी जी जा रहा है, ये फाइनल हो गया। ठीक है, ऋषभ तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ऋषभ बोलिए। कुछ नहीं सर, इतने सारे एग्जांपल के बाद मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ। अच्छा बताइए। बहुत अच्छे अच्छे बात, जी जी बहुत अच्छे अच्छे बात इन्होंने कही। सबसे पहले मेरे कांग्रेस के भाई जो बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घमंड है। नहीं सर, हमें घमंड नहीं, हमें विश्वास है। विश्वास है जनता के मतों पे, जनता के निर्णय पे, और जनता ने जो चुन के हमें भेजा उस पे हमें विश्वास है। घमंड नहीं, घमंड और विश्वास में अंतर होता है। दूसरी बात, जो हमारे टीएमसी के बड़े भाई बैठे हुए हैं, सर रुक जाइए, तुरंत उंगली नहीं उठाइए उसका। अच्छा बोलिए ऋषभ, बोलिए ऋषभ, समय जा रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए। बिल्कुल, जो हमारे टीएमसी के बड़े भाई बैठे, इन्होंने कहा था कि 1997 में और पुराने समय में भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट करके गठबंधन तैयार किया था। बिल्कुल सर, लेकिन आपसे सुन लीजिए सर, अरे सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं चुप था, छोटा भाई हूं मैं आपका, चुप था, छोटे भाई की बात सुन लीजिए। हमने गठबंधन किया था लेकिन हमारा मोटो और हमारा परसेप्शन क्लियर था। आपने कई दफा गठबंधन किया, आपका नेता ही डिसाइड नहीं होता है, इसलिए जनता सवाल खड़ा करती है, सत्ताधर सवाल खड़ा करते हैं। हमने गठबंधन किया तो एक क्लियर रीजन दिया, आपका ना तो क्लियर रीजन है, ना तो कोई नेतृत्व है, ना तो कोई नीति है, इसलिए आपके गठबंधन को ठगबंधन कहा जाता है। ऋषभ 2019 में जो कोशिश की गई थी वो चुनाव से एन पहले थी, शायद इसलिए विफल हो गई, लेकिन इस बार दो साल पहले से तैयारी की जा रही है, इसमें समय ज्यादा है विपक्ष के पास। ठीक है, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, देश भी देखेगा। दूसरी बात, इन्होंने बहुत 2014 से 21 तक क्या किया, तो सर अब हिम्मत रखिए सुनने के लिए हमने क्या किया। अगर 70 साल के बाद भी हम, मैं इसलिए जिक्र करूंगा 70 साल का, क्योंकि अगर 70 साल के बाद भी गांव में बिजली देने की बात हम कर रहे हैं तो ये आपकी विफलता दर्शाता है सर। अगर 70 साल के बाद भी हम मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं तो ये आपकी विफलता दर्शाता है सर। अगर हमें बना बनाई एक जनाधार मिला रहता, एक देश मिला रहता, तो आज छोटी छोटी बुनियादी चीजों पर हमें वर्क नहीं करना पड़ता, बिजली पहुंचानी नहीं पड़ती, गांव में सड़कें नहीं बनानी पड़ती, हम भी प्रो डेवलपमेंट की बात करते। जब अभी देश तैयार करना पड़ गया 6 साल में और आप बात करते हमने क्या किया, अरे सर माफी आपके सवाल पे मुझे। और ठीक है, जल्दी से, नहीं समय नहीं है, ऋषभ इतना समय नहीं दे पाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, अजय अरोड़ा जल्दी से। घनश्याम जी, इन्होंने 7 वर्षों में क्या किया मैं बताता हूँ। सर इनकी बात नहीं, अपनी बात बताइए, आपका एजेंडा क्या है सर, इनकी बातें मत बताइए, वो ऋषभ ने बता दी। यही बोला कि 70 सालों में क्या किया, 70 सालों में क्या किया, हमने देश को विशाल बना के दिया, देश को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा के दिया हमने, आपने अर्थव्यवस्था क्या है, जीडीपी की दर क्या है, बेरोजगारी कितनी है सर, गांव में बिजली तक नहीं पहुंची थी, महिला ऋषभ जी ऐसा मत करिए। घनश्याम जी, ठीक है, ठीक है, है 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। जो आपने हमारा एजेंडा पूछा, हमने सब कुछ दिया, इन्होंने बताओ कितने अस्पताल बनाए, कितने एम्स बनाए। बात मुद्दा मेरा नहीं है, बादल देव जल्दी से बोलिए, मुद्दा मेरा ये नहीं है। बादल साहब, लाइन में छोटा भाई को कहना चाहता हूँ, जब 13 दिन का, 13 महीना का और 3-4 साल का जो सरकार था भाजपा शुरू हुआ था, उसमें सब चाहते थे पार्टी में आडवाणी के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सब मिलकर वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। तो इसको थोड़ा सा ज्ञान रखना चाहिए और अपने बारे में, खुद के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो ममता बनर्जी की कोशिश है सभी विपक्षों को साथ लाने की, लेकिन ये कोशिश कितनी पूरी हो पाएगी इसलिए इंतजार करना होगा। समय मेरे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया मुद्दा में आप लोगों का जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो ममता बनर्जी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन 3 दिवसीय दौरे पर वो किन किन से मुलाकात करेंगी, कैसी मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा, कई ऐसे विषय हैं जिसपे चर्चा लगातार हो रही है और हमारी हर खबर पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।